हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी कम नहीं हुआ है। कई राज्यों में प्रतिबंध लागू है, जबकि कई प्रदेशों में संक्रमण की दर में गिरावट के साथ नियमों में ढील दी जा रही है। इधर मुंबई वासी लगातार सवाल उठा रहे कि यात्रियों के लिए मुंबई लोकल कब शुरू होगी। लोगों की बढ़ती मांगों को देखते हुए महानगर पालिका ने एक बड़ा फैसला लेने वाली है। 15 जुलाई को इस संबंध में एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में मुंबई लोकल शुरू करने सहित प्रतिबंधों और नियमों में छूट देने का ऐलान किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग मुंबई लोकल में यात्रा कर सकेंगे। ऐसे आम नागरिकों को ऑफिस और अन्य जगहों में जाने की छूट दी जा सकती है। मुंबई में कोरोना संक्रमण फिलहाल काबू में है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के डर से प्रदेश सरकार ज्यादा ढील नहीं दे रही है, इस कारण कई सेवाएं बंद है। अब तक 12,47,410 लोगों को मुंबई में दोनों टीके लग चुके हैं। 46,81,780 लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज दिया जा चुका है। 15 जुलाई को होने वाली बैठक में दोनों टीके लगवा चुके नागरिकों को मुंबई लोकल में छूट दी जाने की संभावना है। वहीं मुंबई में शनिवार को 504 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं और वहीं 736 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। वैसे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो आ रहा है वो उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ली है, और उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने एक भी नहीं ली है। ये तो लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद पता चलेगी कि क्या तीसरी लहर का कारण भी लोकल सेवाओं को शुरू करना है या नहीं, क्योंकि अनलॉकिंग अभी भी शुरू हो रही है धीरे धीरे, लेकिन लॉकडाउन ज्यादातर जगह पर है, जिसकी वजह से शायद मुंबई में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। बाकी आगे जैसे जैसे अनलॉकिंग होगी उनके जरिए पता चलेगा कि तीसरी लहर की आशंका क्या कहती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। और भी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे।